अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर हर दा ते उसदा नाम चितारन वाला किसे मैदान न हरदा। बहुत ही प्यारा कलाम हजरत मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ आज खुशखती में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर हर दा उसका नाम चितारन वाला किसे मैदान न हरदा। तो सबसे पहले मैंने अव्वल हम्द ग्रीन स्याही से ग्रीन मोटे तक वाले कलम से लिखा है और दूसरा सना इलाही जो कि मोटे टक वाला कलम जो आम बाज़ार से मिल जाता है वहाँ से सारे मुख्तलिफ कलर के मार्कर लेकर आया हूँ। इन मार्कर से एक तो राइटिंग बहुत अच्छी लिखी जाती है। जब हम मार्कर पकड़ते हैं तो सबसे पहले हम मार्कर को कैप खोलते वक्त मार्कर का तक देखते हैं कि आपने सही पकड़ा हुआ है या गलत पकड़ा है। सही पकड़ने का तरीका कुछ इस तरह होता है कि नोक वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखते हैं और जो छोटा कात होता है नीचे वाला उसको नीचे बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं रखते, थोड़ा सा फ़र्क रखते हैं, मतलब कि थोड़ा सा तिरछा पकड़ते हैं कलम को। तिरछा पकड़ने से राइटिंग अच्छी हो जाती है और फिर मुख्तलिफ कलर से लिखने से राइटिंग खूबसूरत हो जाती है। राइटिंग लिखने से पहले स्केल की मदद से हल्की हल्की लाइनों का सहारा लेना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह राइटिंग कंट्रोल में रहती है और बिल्कुल सीधी स्ट्रेट सिमेट्री का लगती है, खूबसूरत नज़र आती है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में एक कमेंट लिख देना। तो आपका भाई मुनीर राय ननकाना साहब।